राघव, घर पहुंचते ही मुझे नोट्स मेल कर देना, ओके? हाँ अवनी, जरूर। ओके, कल मिलते हैं। बाय अवनी। तुम्हारी क्लास कैसी थी? क्लास अच्छी थी पापा। पापा, आपके हाथ में क्या है, क्या मैं देख सकती हूँ? अरे ये एक पैम्फलेट है अवनी, ये लो देखो। ये औरत कितनी सुंदर दिख रही है, न जाने ये इतनी सुंदर कैसे दी है। शायद मुझे इस नंबर पर कॉल करना चाहिए, मैं भी गोरी और सुंदर दिखना चाहती हूँ। मैं आपका फोन ले सकती हूँ? क्या तुम राघव को कॉल करना चाहती हो? मैं नंबर मिला देता हूँ। नहीं पापा, मैं इस नंबर पर कॉल करना चाहती हूँ, मैं भी इस लड़की की तरह सुंदर बनना चाहती हूँ। अवनी, यह केवल एक विज्ञापन है। अक्सर विज्ञापन लोगों को गुमराह करने के लिए झूठे वादे करते हैं और लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि वो थोड़े समय में अपने वास्तविक रूप को बदल लेंगे। हाँ, मैं सहमत हूँ। कुछ समय पहले हमारे पड़ोसी के बेटे ने सोशल मीडिया पर किसी प्रोटीन ड्रिंक को पीने से लंबाई बढ़ने का विज्ञापन देखा। उसके घर वालों ने काफी पैसा खर्च करके उसको खरीद लिया, लेकिन लंबाई तो आपके जीन्स और हार्मोन से निर्धारित होती है। प्रोटीन ड्रिंक लंबाई बढ़ाने में कोई मदद नहीं करता है। ये ब्रोशर और पैम्फलेट कई बार आकर्षक प्रस्ताव देते हैं, जबकि हमको उन पर विश्वास करने से पहले दी गई सूचनाओं की प्रामाणिकता जरूर जांचनी चाहिए। अवनी, खूबसूरती इस बात पर निर्भर करती है कि कोई व्यक्ति स्वयं को कैसे देखता है। तुम जैसी भी हो, खूबसूरत हो। धन्यवाद पापा और माँ, मुझे सही और गलत के अंतर के महत्व को समझाने के लिए। मैं इसे अपने दोस्तों से भी शेयर करूँगी। हाय अवनी। राघव, क्या सब ठीक है? तुम परेशान लग रहे हो। मैं सोशल मीडिया चेक कर रहा था, जहां मैंने एक घड़ी का विज्ञापन देखा जिसमें 80% कैशबैक का ऑफर था। मैंने सोचा कि ये खरीद कर पापा को सरप्राइज गिफ्ट दे सकता हूं। उस साइट ने कैशबैक ऑफर के लिए कार्ड की डिटेल्स मांगी। मैंने बिना पापा से पूछे उनके कार्ड की डिटेल्स भर दी। ओह नहीं, फिर क्या हुआ? जैसे ही मैंने डिटेल्स भरी, वैसे ही पेज रीलोड होने लगा और संदेश आया ऑफर इनवैलिड। मैं बहुत परेशान हूँ। अगर उन्होंने मेरे पापा के बैंक की डिटेल्स का दुरुपयोग किया तो मुझे क्या करना चाहिए? ये बहुत खतरनाक है राघव, प्लीज अपने मम्मी पापा से बात करो और मुझे उम्मीद है कि वो तुरंत कोई एक्शन लेंगे। ठीक है अवनी, थैंक्स, बाय। राघव, क्या तुम ठीक हो? हाँ माँ, क्या हुआ? तुम हमेशा अपने फोन में बिजी रहते हो और बहुत कम बात करते हो। माँ, मैं आपसे कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मुझसे गलती हो गई है। क्या हुआ राघव? मैं पापा को उनके बर्थडे पर एक सरप्राइज गिफ्ट देने के लिए ऑनलाइन एक घड़ी खरीदने की कोशिश कर रहा था। साइट ने कार्ड डिटेल्स मांगी तो मैंने पापा से बिना पूछे उनके कार्ड का डिटेल भर दिया और बिना कन्फर्मेशन के साइट क्रैश हो गई। हाय सुधा, मुझे अभी एक बैंक से पैसे कटने का संदेश मिला है। क्या तुमने या राघव ने मेरे कार्ड से कुछ खरीदा है? हाँ, एक गलत ट्रांजैक्शन हुई है। अभी मैं राघव से ही इसके बारे में बात कर रही थी। आपको अपने बैंक से तुरंत बात करनी चाहिए, राघव बहुत चिंतित है। ओके, मैं अभी घर आता हूँ। पापा भी घर आ रहे हैं, परेशान मत हो, तुरंत ही शिकायत दर्ज करा देंगे। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरे बैंक कार्ड का प्रयोग करके एक गलत लेन देन हुआ है। ओके, रुकिए, मैं आपकी कॉल साइबर क्राइम सेल को दे रहा हूँ। हेलो। हेलो सर। मैं समझ रहा हूँ सर, क्या आपके पास कोई विज्ञापन या वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है? कृपया वो हमसे शेयर कीजिए, और यदि कोई अनुचित या धमकी भरे संदेश या गलत ऑफर भेजता है तो आप पुलिस में शिकायत दर्ज करने में बिल्कुल संकोच ना करें। सर, आपकी सलाह के लिए शुक्रिया, ये काफी उपयोगी है। आप चिंता ना करें, हम केस की जांच करेंगे। माँ और पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके बर्थडे पर आपको गिफ्ट देकर खुश करना चाहता था। ओह मेरे प्यारे बच्चे राघव, मैं समझ सकता हूँ, बस अब आगे से तुम सतर्क रहना। राघव,
तुमको अपनी ऑनलाइन गतिविधियों को चेक करना चाहिए। ऑनलाइन दुनिया को कतई अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान मत पहुंचाने दो। हाँ माँ, मैंने महसूस किया है कि फोन और गैजेट हमारा बहुत सारा कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। अब से मैं फोन कम इस्तेमाल करूँगा, आई प्रॉमिस। ये अच्छा है राघव। मीडिया सूचना को प्रसारित करने और जागरूकता फैलाने में अहम भूमिका निभाती है, जबकि सोशल मीडिया हमारे जीवन को कई तरह से बदल सकती है और व्यक्तिगत और व्यवसायिक उन्नति में वृद्धि कर सकती है। अगर बुद्धिमानी से इस्तेमाल नहीं किया जाए तो इसके नुकसान भी हैं। सोशल मीडिया अक्सर किशोरों के अपने दोस्तों और परिवार के साथ शारीरिक संपर्क को कम कर देती है, जिसकी वजह से वे आमने सामने बैठकर बात न कर पाने से अकेला और कटा हुआ महसूस करते हैं। सोशल मीडिया पर साइबर उत्पीड़न और घोटालों की बहुत सारी घटनाएं होती हैं, इसलिए हमको प्राप्त होने वाली सूचनाओं की प्रामाणिकता की जांच जरूर करनी चाहिए और इंटरनेट पर सुरक्षित रहना चाहिए।